बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से संबंधित एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी एक ईमानदार शख्सियत थे। वो फोर्स घोटाले में राजीव गांधी नहीं बल्कि उनके नजदीकी लोग शामिल थे। इन नजदीकी लोगों ने ही राजीव गांधी को फंसा दिया। वे उन नजदीकी लोगों का नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। राजधानी पटना के मौर होटल में आयोजित शिक्षा जगत से जुड़े एक कार्यक्रम में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने लोगों को संबोधित करते हुए शुक्रवार को यह बयान दिया। मालूम हो कि बोफोर्स तोप सौदे के चलते 1980 के दशक में देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। 1989 में कांग्रेस को इसकी वजह से सत्ता तक गंवानी पड़ गई थी। मामले में आरोपी इटली के बिजनेसमैन ओतावियो क्वांत्रोकी की गांधी परिवार से कथित नजदीकी सवालों के घेरे में रही। ऐसे में बिहार के राज्यपाल का यह एक बड़ा बयान है। मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनसे मिलने आते हैं तो उनका वेलकम है, वे एक कप चाय तो जरूर ही पिलाएंगे। SPN न्यूज रूम की रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest updates.